राजेश गुप्ता भारत लोक सेवक पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आरक्षण को हम ये चाहते हैं इस देश में से अब बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और हमारा ये मानना है ये जो आरक्षण है यही सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ है और आरक्षण की वजह से वर्तमान में देश का विकास नहीं विनाश हो रहा है। अतः इस विनाशकारी आरक्षण को देश से जितनी जल्दी हो मुक्त कराना जरूरी है। तो आप आरक्षण के ही खिलाफ हैं या फिर जातिगत आरक्षण के खिलाफ है? हम किसी भी तरीके के आरक्षण के समर्थक नहीं हैं। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी एबिलिटी और क्वालिटी के अनुसार, मेरिट के हिसाब से आगे आना चाहिए। आरक्षण का कोई आधार नहीं है इस वक्त। तो जिसके पास वो फैसिलिटी नहीं है वो कैसे आगे आएगा फिर? किस टाइप की फैसिलिटीज आप चाहते हैं होनी चाहिए? हमारे समाज में जो दलित हैं, जिनको आरक्षण, फिलहाल की बात उनकी छोड़ दी जाए, जिनको आरक्षण नहीं मिला है या एक नॉर्मल इंसान है आपकी तरह और वो एक झुग्गी में पैदा, वो आप तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेगा? उसके अलावा अभी आप कई न्यूज़ ऐसे देख रहे हैं कि घोड़े पर चढ़ने को लेकर के अपर कास्ट वाले उसको मारते हैं, जान ले लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे? आपने सही सवाल किया है। एक दलित एक्ट बना हुआ है, उस दलित एक्ट का जो है मिसयूज हो रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब दलित एक्ट बन गया है और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आरक्षण से उसका क्या मतलब है? आरक्षण को आप खुद ही मान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आरक्षण से तो जो है वो अत्याचार बंद नहीं हुआ है। जब 70 साल से अत्याचार बंद नहीं हुआ है, आरक्षण मैंने बताया है, जिस पहले तो हमको ये समझना होगा आरक्षण जो जिस आधार पर दिया गया था। आप ये बताइए कि इस लड़ाई को फिर आप आगे कैसे ले जाएंगे? हाँ, हमने आरक्षण के विरोध में पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और हम डोर टू डोर व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनसे भी और जो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा उनसे भी यही सवाल कर रहे हैं कि भी आप ये बताइए आरक्षण से देश का विकास हो रहा है बिना? 40% वाले को आगे लाओगे, 90% वाले को पीछे धकेलोगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? जब हमारी प्रतिभा जो है अमेरिका, इंग्लैंड में चली जाएगी तो हम तो पिछड़ जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसा आपका कहना है कि आरक्षण, बिना आरक्षण के भी दलित जो है 90% ला सकते हैं, ठीक है, तो जनरल वालों को तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनको तो 90% लाना चाहिए, फिर वो क्यों बात कर रहे हैं रिजर्वेशन खत्म करने की?
बिल्कुल सही सवाल किया, 90% वाले को आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, 40% वाला सुपरसीड कर रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? आरक्षण 40% वाले को लाएंगे और 90 को पीछे धकेलेंगे तो देश तो भाई पिछड़ेगा।